Hi, this is Farhad. Hi, and this is Sajid. And you're watching Bollywood Hungama. आप लोगों के साथ में एक रैपिड फायर करना चाहेंगे दोनों के साथ में एंड लेट्स सी दैट जो आपका मतलब एक विट है तो आप सवाल पूछो फिर पॉज करते फिर 10 मिनट बाद शुरू करते पॉज दो हम लोग आराम से टाइम लेके जवाब देंगे नहीं आप जैसे आप एडिटिंग करके आप जैसे करना चाहें सो वी विल स्टार्ट विद साजिद भाई फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड फायर विद साजिद हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 अ फिल्म यू विश टू डायरेक्ट डिड यू विश टू डायरेक्ट हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 आई थिंक सो आई वुड लव टू बिकॉज़ वी हैड रिटन 2 सो आई विल से 2 Two. Two शायद would have wished to direct two, because क्योंकि हम लोग writer थे बिल्कुल, so इसलिए first choice हो। Okay, a comedy from Hollywood you like to remake in Bollywood? जो भी सस्ते rights मिले वो कर लेंगे। फिर भी कोई अगर आपके ज़हन में आए तो? Particular नहीं आ रहा है, but being Gujarati from inside I think तो सस्ते rights again I stick to that. And what would your dream star cast in that remake? जो भी star सस्ते में available होंगे? नहीं पहले ही महंगा वाला तो है ही अक्षय कुमार तो वो नहीं बोलूंगा मैं सो आई फील अ गुड एक्टर फर्स्ट बट आई विल से व्हाई नॉट अक्षय कुमार अगेन इज माय फेवरेट व्हाई नॉट ऑफ कोर्स अक्षय कुमार इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग सेलिब्रिटीज व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू विल डू अक्षय कुमार जिमिंग रितेश देशमुख वॉचिंग न्यूज ओके फराज सामजी कमिंग एंड गिविंग अ हग टू साजिद सामजी शाहरुख खान कोई और बात करें Ajay Devgan. I would like to flex my fingers when I get up. Singham style. Utte. Okay. What's more important to you, critical acclaim or box office collections? 100% box office collection. Weirdest or boring, most boring comedy film you've ever seen in Bollywood? Bollywood. In Bollywood. I love all films, yaar. Hasta hoon, yaar. Tricky sawal. Tricky bhi hai, bahut. Tu chhand ke nikala left hand se. तू ऐसा कर रहा है जैसे अभी तूने बनाया है मगर ये 3-4 दिन से तूने रख लिया है नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ ज़हन में नहीं आ रहा एंजॉय ऑल फिल्म्स ओके ऐसा कोई बोरिंग तो नहीं लगा वन मेजर डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड डायरेक्टिंग अ फिल्म राइटिंग इज अ पैशन एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग ना तो एक ही फोकस रहता है राइटिंग पे जब आप डायरेक्शन करते हो तो 25 डिपार्टमेंट संभालने पड़ते हैं हर चीज फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू एवरीथिंग फ्रॉम डिटेलिंग फ्रॉम एवरीथिंग तो मेरे ख्याल से दो अलग चीजें हैं अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम सेइंग दैट आई डोंट एंजॉय बट आई एम सो हैप्पी दैट आई एम ब्लेस्ड दैट वी बोथ आर डूइंग बोथ द थिंग्स राइटिंग एंड डायरेक्टिंग सो वी आर ब्लेस्ड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू गॉड बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कभी कभी नो नो एब्सोल्युटली राइटिंग में व्हाट आर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आफ्टर दिस Singham 2, Singham 3. I think so. Rohit Shetty is next. Should be the next in writing prospects. Abhi on paper abhi tak kuch fix nahi. Fix nahi hua, but verbally yes, I think so. Because we are like family with Rohit, so I think so. Rohit's next film. And even Chennai Express, I think we heard Chennai Express Part 2 is something that you guys are thinking of. Abhi to nahi, filhal nahi. Hua hai. Koi station se platform se koi gaadi nahi nikli hai. So ye sirf khayali pulao hai. All right, so now rapid fire with Faraz Samji. So let's see that. According to you, which is the best film of Bollywood in comedy genre? अच्छा मेरे को लगा आप सेम सवाल पूछोगे। हाँ तो तूने बायाड भी कर लिया था। मैं सोच रहा हूँ ये वाला जवाब रखना। ओके सर। भाई में अंतर। According to you, which is the best film of Bollywood in comedy genre? Bollywood. जी। पड़ोसन। I agree. All time favorite. Superb. Even I think Akshay Kumar said the same thing. अच्छा? Akshay बोला? Akshay Kumar the same thing. नहीं but yeah, actually we have not discussed with him about that. If you have to dedicate the following titles of your films to other actors, apart from the ones who are in that film, who would it be? Singham. Other than Ajay Devgan. Singham. Rohit Shetty. He is the Singham. Dilwale. Dilwale. Akshay Kumar. Okay. बोल बच्चन चंकी पांडे फॉर अजय देवगन रोल और अभिषेक दो थे ना अभिषेक रोल हिम्मत वाला हूएवर टेक्स हिम्मत वाला कोई हिम्मत वाले की जरूरत पड़ेगी तेरे को हिम्मत वाला
नहीं बनाए तो अच्छा है. अजय देवगन को छोड़ के और कोई याद ही नहीं. हाँ एक्चुअली. और बॉस बॉस साजिद नाटियाट वाला यस क्यू प्लेयर दैट रोल. ही इज द बॉस अभी तो फिलहाल. अ बॉलीवुड सॉन्ग दैट मेक्स यू डांस टांग उठा के. धतिंग नाच नरगिस. धतिंग नाच. ऑलराइट. मोस्ट एब्सर्ड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस यू हैव एवर बीन गिवन. किसी एस्ट्रोलॉजर किसी में लिखा था कि अगर गाड़ी चलाते हुए अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसका मतलब ये है. बोला क्या ये है कि वो किधर जा रही है. दैट्स द दैट वाज रिटन ऑन द एस्ट्रोलॉजी थिंग. योर टेक ऑन फॉलोइंग ट्रेंड्स. सेंसरशिप इन मूवीज. यू नीड इट बट स्लाइटली इरिटेटिंग. ओके. एंड डू वी सी stuff being censored in Housefull 3 will sir aapko lagta hai hum bolenge ha ha bahut kuch hai jo katna chahiye aapko lagta hai. nahi has it been cut abhi sab se pe gaya nahi hai. nahi gaya nahi abhi jayenge. okay so it will be yeah. but as you know I mean I'm sorry I'm getting into his zone right now. you're asking him questions. ji ji. ke Housefull jo hai family entertainer hai bachcho ki film hai to kya kaatoge bachcho aur family ke liye. नहीं लेकिन अभी आपको सरप्राइजेस बहुत हुए हैं. हाँ, वो तो है, वो तो है. ऐसी ऐसी चीजें जो हैं. बोलो ना यार. बिल्कुल शुभ शुभ बोलना चाहेंगे. एंड आई होप कि आप जल्दी से करा लीजिए ताकि अगर कुछ हो तो फिर रिवाइजिंग कमेटी का भी ऑप्शन होता है. नहीं नहीं करेक्ट. एंड बिकॉज अभी तो ऐसी ऐसी वियर्ड चीजों को सेंसरशिप कर सेंसर किया जा रहा है. दैट इज लाइक हिलेरियस. नहीं नहीं करेक्ट. रास्ते में कोई चिल्लाता भी ए यू तो मैं वही बोलता हूँ क्या मिलेगा ए के यू. even Azhar mein there was a case and the way they just chopped it off I was like they have censored this. it's not ending at the right thing. wo dissolve mar ke usko matlab. but this is silly actually. this is like really like in A films they are beeping out things and they're just doing some ridiculous stuff actually which is amazing. Your take on the following trend. division of massy and classy movies. kya aapko lagta hai ye division sahi hai ya fir isme koi galat hai. Film is a film. अच्छी बुरी, that's it. Correct. अच्छी या बुरी, that's about it. That's it. Mass class क्या होता है? मुझे मालूम नहीं. बाकी चल गई बोलते हैं मास नहीं चलाया. मतलब क्या है? Correct. वही मास तो जा रही है मल्टीप्लेक्स में. I feel we are just making it classy, massy. और actually इंडस्ट्री की भी आदत हो गई. जब भी कोई जोक्स भी सुनो डायलॉग्स भी सुनो हाँ ये मास को अपील करेगा. अरे ये क्लास को अपील करेगा ये मल्टीप्लेक्स के लिए ये उसके लिए. मैंने तो एक जोक बोला एक डायलॉग बोला तू हंसा. हाँ. इसका मतलब थोड़ी तूने जज किया ये मासी जोक है इसलिए हंसूंगा या क्लासी जोक. एक्चुअली क्या है कि इंडिया में मूवीज और क्रिकेट पे हर किसी का ओपिनियन है. हर कोई क्रिटिक है और हर किसी को लगता है कि मतलब उसकी ओपिनियन सॉलिड है. एंड पीपल अभी मेरे को याद है मैंने बोला तो मुझे याद है. सॉरी लिफ्ट में जा रहा था मैं कोई बिल्डिंग के लिफ्ट में तो उसमें दूध वाला था मेरे साथ और वो टाइम पे कुछ सचिन खेल रहा था क्रिकेट और जीरो में आउट हुआ था. बहुत परेशान था. ऐसा बात कर रहा था जैसे उसका दूध फट गया और उसने बोला वो फ्रंट फुट में जाना ही नहीं चाहिए था. अब दूध वाले को मैं बोला तेरे को इतना मालूम है तो तू दूध दूध वाला क्यों रह गया. लाइक द वे ही वाज सेइंग सर वो फ्रंट फुट क्यों गया. अरे सो एज यू सेड ओपिनियंस अपने में बहुत होता है. एडवाइस देना ये करना. आई फील एज फरहाद से फिल्म इज अ फिल्म यार. एब्सोल्युटली. ओके. डिस्क्राइब दिस फिल्म मेकर्स इन वन वर्ड और सेंटेंस. रोहित शेट्टी. बोल दिया मैंने. सिंगम. करण जौहर. दोस्ताना. दोस्ताना लवेबल. उसके कई मायने हैं बट लवेबल. राजकुमार हिरानी. ये इट्स अ मिश्रण ऑफ टू थिंग्स स्वीट एंड टैलेंट. इट्स वेरी स्वीट एंड टैलेंट. गुड. ओके. विशाल भारद्वाज. अतरंगी. ओके. अनुराग कश्यप. ट्रिपल अतरंगी. ट्रिपल अतरंगी. Which is like right, nice or it's not. Sir, नहीं वो समझना आपके ऑडियंस से ये सब तू ऐसा बाल की खाल या खाल की बाल जो भी है फीडिंग नहीं करेंगे. ओके. एन एक्टर यू थिंक वुड बी परफेक्ट टू जॉइन अक्षय एंड रितेश इन हाउसफुल 4. एक्चुअली स्टोरी सी वही प्रॉब्लम होता है. ये मैं एलिब्रेट करना चाहूंगा क्योंकि हमेशा हमको ये पूछा गया है कि आपने तीन हीरो ये क्यों लिए. आपने अभिषेक को लिया इसको लिया उसको लिया क्यों लिया. ये इतने सवाल आते ना. मैं बोला पहले तो कहानी बनती है. कहानी के हिसाब से हमको तीन किरदार ढूंढने थे. तीन किरदार तीन कैरेक्टर में बैठा अक्षय फिर बैठा रितेश और फिर बिकॉज़ फॉर अस इट वाज बंटी सैंडी एंड टेडी. तो तीन ऐसा नहीं था कि रितेश अक्षय और ये. हाँ. अभिषेक फिटेड द बिल. आई फील ही इज डन अ फैब जॉब बिकॉज़ वी थॉट दैट ये कैरेक्टर में बैठता है. सो इवन तो पहले कैरेक्टर तो आने दो. सो इवन हाउसफुल 4 अगर कहानी की मांग होगी कि तीसरा एक्टर कौन होगा ये होगा तो उस हिसाब से और कोई भी हो सकता है. अभिषेक वापस हो सकता है.
So depends on the character. To casting to pehle nahi honi chahiye, nahi to fir project ho gaya fir. Aap project bana rahe ho, proposal bana rahe ho. Means me and Farhad being writers, hum log ka tawajjuh, hum log ka center point hota hai script. Pehle script, uske baad sab kuch. Also Nadiad, he put a tick mark to this because of the script. We went and bounced him this script and he said, "Fab, we'll do this film." Uske baad baat hui. Kya theek hai franchise mein Akshay to hai, Riteish to hai, to fir teesra kaun? Bilkul.